साथियों नमस्कार। आज की बहुत बड़ी ताजा खबर है कि संडे बिग स्टोरी में जो आप लोगों को ये कल की न्यूज थी, लेकिन आज मैं इसको बता रहा हूँ साथियों। और ये न्यूज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी थी, ये बहुत जरूरी सूचना थी, आप लोगों को बताना मुझे बहुत जरूरी था। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर जो आरएस 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा से शुरू करने का विचार है, जल्द हो सकता है निर्णय। अब किस बात का निर्णय है साथियों, आप लोग सब जानते हो इस चीज को कि वो निर्णय क्या है। ये आरएस एग्जाम जो अभी होने वाला है उसी से ही इसको शुरू कर देंगे। और ये केरल और हरियाणा में तो पहले से ही चल रहा है, आरपीएससी में अब साथियों क्या होने वाला है, ये पांचवा विकल्प साथियों लगने वाला है, इसलिए आप तैयार हो जाइए। अब आप विकल्प लाने की तैयारी में हैं, इसे भरेंगे तभी ओएमआर सीट आपकी जांच होगी। अब अभ्यर्थी को हर सवाल का जवाब देना होगा साथियों, अभ्यर्थी का नुकसान अब समय ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सही बात है, समय की कीमत अब यहां पर पहचाननी होगी, अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाएगा बहुत भयंकर। आरएस प्री का पेपर 200 अंकों का होगा और 3 घंटे में 150 सवाल हल करने होते हैं। अब तक ये होता था कि अभ्यर्थी को जितने सवालों के जवाब आते थे वो इनके लिए ओएमआर सीट पर गोले लगा देता था। यदि 150 में से उसको 95 भी सवाल आते हैं तो वो पहले इनको करेगा, अब उसे 150 सवालों का विकल्प ही भरने होंगे। तो साथियों ये बहुत थोड़ा सा नुकसानदायक है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब आपको कैसा लगता है आप जरूर जरूर इसमें कमेंट करके बताइए। आप क्या मानते हो, क्या ऐसा होना चाहिए, ये कमेंट करके आपको बताना है साथियों। ओएमआर सीट से छेड़छाड़ के आरोप के बाद हो रहा है विचार, ये विचार इसलिए किया जा रहा है, पांचवा विकल्प इसलिए लिया जा रहा है साथियों, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भैया, अब क्योंकि चेंज होने वाला है पैटर्न। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगली सूचना हमारी आती है, अगली सूचना का विचार यही है कि अगली सूचना किस प्रकार से है, देखिएगा। अगली न्यूज है साथियों आप लोगों के लिए, ये रही अगली न्यूज। देश के 19 एम्स में डॉक्टर 40% तो स्टाफ 55% कम, ऐसा क्यों? ये सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य संस्थान की बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, मामला ऐसा है, क्या हो सकता है साथियों, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये देखिएगा, ये पूरी एम्स वाली पूरी न्यूज है, भोपाल जोधपुर समेत 7 एम्स में होंगे 150 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक, ये पूरी न्यूज यहाँ पर दी जा रही है। आप लोग पूरी न्यूज देखे, अग्निवीर वायुसेना भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 17 तक, बहुत बढ़िया खबर है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायुसेना के लिए आवेदन मांगे, आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, आवेदन की आखिरी तारीख होगी, आवेदन की आखिरी तारीख यहाँ पर क्या होने वाली, 17 अगस्त। अरे भैया नहीं भरी तो भर दो बहुत जल्दी। और अग्निवीर वायु सैनिक के लिए अविवाहित पुरुष और महिला ही आवेदन के पात्र रहेंगे, ये बहुत बड़ी खबर है। अग्निवीर वायु पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 17.5 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, ये ध्यान रखना भाई। आवेदन का जन्म 27 जून 2023 और 27 दिसंबर 2006 के बीच में होना चाहिए। आवेदन शुल्क आप लोगों का 150 रुपये लगने वाले हैं, ये बहुत बढ़िया खबर आप लोगों के लिए। यूटीबी पर डॉक्टरों की भर्ती कलेक्ट्रेट में कट इंटरव्यू होगा, सीकर जिले से भर्ती है, जिले में 22 पदों पर डॉक्टरों की भर्ती होगी, ये भर्ती यूटीबी पर की जा रही है और इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन होगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट में अभ्यर्थियों के साक्षात लिए जाएंगे, सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि 8 अगस्त को भर्ती के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 14 अगस्त की अंतिम तारीख रखी गई है, लेकिन डॉक्टर की तत्काल आवश्यकता के चलते विभाग की ओर से मिले निर्देशों के बाद 14 अगस्त को ही भर्ती के संबंध में सुबह 11:30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है साथियों। तो और चयनित को 56,000 रुपए मानदेय मिलेगा, जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं सरकारी में जाना चाहते हैं वो भरे। अब ये बहुत बड़ी खबर है, 13 तारीख की खबर है, उच्च शिक्षा विभाग का फैसला। उच्च शिक्षा विभाग का क्या फैसला आया साथियों, छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ये लो यार, ये तो नुकसान हो गया, यहाँ पर तो छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने मौजूदा 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार को सभी कुलपतियों और उच्च अधिकारियों की मीटिंग में यह फैसला किया गया, इसके बाद सभी विश्वविद्यालय को इस फैसले की जानकारी के लिए पत्र भेज दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्विति
2020 की क्रियान्विति की चुनौती, विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम में देरी, चालू सत्र के लिए प्रवेश में देरी से 180 दिन का अध्यापन कार्य कराना चुनौतीपूर्ण होने सहित विभिन्न कारण यहाँ पर दिए गए हैं। पहले भी रद्द हुए थे चुनाव, सबको पता है पहले भी रद्द हुए थे। सत्र शुरू होने से 8 सप्ताह में होनी थी चुनाव की घोषणा, लेकिन नहीं हो सके। अब तो साथियों होगी क्या, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब विद्यार्थी आधे टिकट में कर सकेंगे रोडवेज में 75 किमी सफर। यह पहले भी चलता था लेकिन बीच में बंद हो गया था। अब 75 किमी का सफर जो है विद्यार्थी रोडवेज में आधे टिकट में कर सकेंगे। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट को ही मिलेगी रोडवेज बसों के लिए किराए में छूट। एसटी कार्ड के लिए ये दस्तावेज बहुत जरूरी है। अब आप कार्ड बना सकते हो, और अगर आप कंटिन्यू जाते हो तो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को एसटी कार्ड बनवाने के लिए 40 रुपए शुल्क और 5 दस्तावेज जमा कराने होंगे, जिनमें घर से 75 किमी तक की छूट, देरी दूरी की पुष्टि के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड, शेड्यूल थर्ड फॉर्म जिसे स्कूल या कॉलेज के प्राचार्य द्वारा भरा जाता है, इसे अटेस्टेड करा जमा कराना होगा। छात्र दस्तावेज के साथ कार्ड जारी करवा सकते हैं। पंजीयन के 10 दिन में एसटी कार्ड जारी कर दिया जाएगा। महिलाओं को मिलने वाली छूट योजना के अनुसार छात्राएं 26 श्रेणी की रोडवेज बसों में आधे किराए में यात्रा कर सकेगी। ये तो पहले से मिल रही थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। ये हरियाणा और केरल में पहले से चल रही थी आरपीएससी जो है, अब यहाँ पर भी ओएमआर सीट में पांचवा ऑप्शन जारी करने वाली, ये न्यूज हम लोगों ने पहले पढ़ ली थी साथियों। चयन बोर्ड का बड़ा निर्णय, हमारा राजस्थान चयन बोर्ड का बड़ा निर्णय। भास्कर ने उठाया था मुद्दा, फर्जी डिग्री डिप्लोमा या प्रमाण पत्र लगाया तो अभ्यर्थी सभी भर्तियों से आजीवन बाहर हो जाएगा। अरे भैया सुन लो, अब तुम लोग जो है ना फर्जी मत बनाना कुछ भी। फर्जी बहुत लगा लगा के बन गए, नौकरियां लग गए, फर्जी कुछ भी मत बनाना, नहीं तो फिर आजीवन बाहर हो। अब आप लोग, अगर आपका एक भी फर्जी पाया गया तो सरकार ने मंचलों को भी भर्तियों से किया बाहर। ये पहले एसओ गलौत जी के द्वारा सूचना दे दी गई थी, मंचले अब नहीं लग पाएंगे नौकरी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कल से भरे जाएंगे फॉर्म, ये हो गया काम। अब सीबीएसई ने वर्ष 2024 में आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा को समय से पूरा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने इसके लिए परीक्षा संबंधित गतिविधियों का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। बोर्ड ने स्कूलों को इस कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी दिए हैं, जिससे कि परीक्षा संबंधित गतिविधियां समय पर पूरी की जा सके। बोर्ड के कार्यक्रम के अनुसार स्कूलों में 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म या लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 14 अगस्त से भरे जाने शुरू हो जाएंगे। यह आप सबको ध्यान रखना है भैया, जो भी परीक्षा दे रहा है ना 10वीं और 12वीं की, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली सूचना की ओर। अगली सूचना ये रही आपकी स्कूली प्रतियोगिता। स्कूली प्रतियोगिता नए जोड़े 11 खेलों के लिए निदेशालय ने जिलों से मांगे प्रस्ताव। अब सितंबर में शुरू होगी जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। क्रिकेट आर्चरी सहित 11 खेल इसमें और जोड़ दिए गए हैं। पहले 21 खेल थे, अब प्रतियोगिता में 32 खेल होंगे। ये करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है, पहले 21 खेल थे अब 32 खेल होंगे साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब 11 गेम्स इसमें क्रिकेट आर्चरी रग्बी फुटबॉल कराटे साइकिलिंग सेप कटरा वुशु स्केटिंग नेटबॉल और मलखम भी इसमें जोड़ दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, अब अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह में इसे शुरू किया जाएगा। बहुत बढ़िया खबर है आप लोगों के लिए। प्रदेश के एमबीए और एमसीए कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आरबीएसई यहाँ पर 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब आरबीएससी ने भी ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं, 14 से शुरू हो सकता है आवेदन प्रक्रिया, 14 से शुरू हो सकती है साथियों, बहुत जल्दी से। और 600 रुपए रेगुलर स्टूडेंट के और 650 रुपए प्राइवेट स्टूडेंट के फॉर्म में लगेंगे। स्वास्थ्य विभाग में 15 डॉक्टर और 317 कार्मिक की भर्ती की जाएगी। 15 मेडिकल ऑफिसर, बाड़मेर से खबर है, 70 नर्सिंग ऑफिसर और 100 ANM भर्ती होंगे साथियों, ये बाड़मेर से खबर थी। तो इस तरह से ये पूरी खबरें आप लोगों के लिए कैसी रही साथियों, जरूर जरूर कमेंट करके बताइए। और इस तरह से आप लोग राजस्थान की खबरें अगर चाहते हैं मेरे राजस्थान वासियों, तो जरूर से जरूर आप कमेंट करके लिखिएगा, और इस तरह के वीडियो में बनाता रहूं आप लोगों के लिए। मिलते हैं अब 15 अगस्त को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सभी को, धन्यवाद।